नमस्ते, मैं चंद्रलेखा जैन। आज अपन कक्षा 11 की राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक से अध्याय 7 का संघवाद नाम का अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, संघात्मक शासन पढ़ने से पहले आप लोगों ने आपने और भी चीजों का अध्ययन किया होगा, जैसे कि शासन व्यवस्था के कई प्रकार होते हैं, जैसे प्रजातंत्र, राजतंत्र। कहीं पर प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होती है और कहीं पर राजतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। इस प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसी तरह सरकार की शक्ति के विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। ये शासन व्यवस्था के संबंध में अपन ये बात जान लें कि राज्य शक्ति का जो उपयोग है वो सरकार करती है। वो शक्ति का उपयोग सरकार किस प्रकार से करती है और कौन उस शक्ति का प्रयोग करता है, इसके आधार पर ये संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। यदि शासन की सारी शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं, और यदि शासन की सारी शक्ति केंद्र में ही निहित होती है उसे एकात्मक शासन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि जब केंद्र सरकार के पास सारी शक्ति है, वही अपनी इच्छा से उसका उपयोग करता है, तो उसे क्या कहेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था, और नहीं उसे कहेंगे आप एकात्मक शासन व्यवस्था। और यदि वही शक्ति राज्यों को और केंद्रों के बीच में बांट दी जाती है तो उसे हम संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे अपन अपने भारत का उदाहरण लें तो हमारे यहाँ क्या है, कुछ कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, और कुछ कार्य करती है राज्य सरकार। माने कुछ शक्ति है केंद्र के पास है और कुछ शक्ति है राज्य के पास है। तो हमारे यहाँ की कैसी शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था। तो अब इस संघात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ क्या है, अब हम इसको समझेंगे। संघात्मक शासन को अंग्रेजी भाषा में फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के होएडस से हुई। इस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम निकालें इसका अर्थ, तो संघात्मक शासन का जन्म संविदा या समझौता का परिणाम होता है। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर संधि कर लेते हैं, जैसे अमेरिका में 50 राज्यों ने मिलकर एक संघ का निर्माण कर लिया, इसी प्रकार भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात उसकी विभिन्न रियासतों ने एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। आपको बता दूं, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हमारा देश बहुत सारी छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी लगभग 562 रियासतें थीं, उन सब ने मिलकर एक संघ का निर्माण कर लिया। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संघात्मक शासन शासन का वह रूप है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र अनेक इकाइयों से मिलकर बनता है तथा केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में एक सदन में जनता के प्रतिनिधि होते हैं तथा दूसरे में संघ की विभिन्न इकाइयों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे भारत में राज्यसभा तथा अमेरिका में सीनेट। जैसा अभी अपन ने किस बात की चर्चा की कि इसकी क्या होता है कि उसकी कुछ इकाइयां होती हैं, तो जैसे कि भारत में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, ये क्या हो गए भारत की इकाइयां, और केंद्र सरकार क्या हो गया, इसका केंद्र हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा संघात्मक शासन। माने इसकी कुछ इकाइयां हैं
और इसका एक केंद्र है। तो इन दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन है और इन इकाइयों ने मिलकर एक संघ का निर्माण कर दिया। संघात्मक शासन को हरमन फाइनर नाम के एक विचारक ने इस प्रकार परिभाषित किया है। बच्चों, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। संघात्मक राज्य उसे कहते हैं जिसमें अधिकार और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों के पास हो और दूसरा भाग एक केंद्रीय संस्था के पास हो, जिसका निर्माण स्थानीय क्षेत्रों ने अपनी इच्छा से मिलकर किया है। स्पष्ट है कि उसमें क्या क्या किया है। स्थानीय क्षेत्र किसको कहा है? जैसे हमारे देश के ये राज्य, इन्हें हम क्या कहेंगे? हमारे यहाँ के स्थानीय क्षेत्र। और इन लोगों ने मिलकर क्या किया है? एक संघ का निर्माण किया है। और उसके कुछ शक्तियाँ किसके पास हैं? इन इकाइयों के पास हैं, और कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास। बच्चों, अब ये संघात्मक शासन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये संघ कब बन सकता है और इसको बनने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? संघ निर्माण की आवश्यक शर्तें, माने किन किन शर्तों के आधार पर ही संघ का निर्माण हो सकता है। सबसे पहली है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता का अर्थ क्या है? कि संघ निर्माण करने वाले राज्य भौगोलिक दृष्टि से निकट होने चाहिए। अगर भौगोलिक दूरियां होंगी तो उनका संघ से अलग होने का खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे पाकिस्तान में एक भाग पूर्व और एक भाग पश्चिम में था, परिणाम यह हुआ कि पूर्वी भाग अलग हो गया और नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। मतलब पाकिस्तान जो राष्ट्र था, उसके जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो करीब नहीं थे, वो कैसे थे? दूर दूर थे। इस कारण से उन दोनों में क्या आपस में विवाद हुए, एक की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, तो उनमें विरोध हो गया। उनमें तो परिणाम क्या निकला इसका, कि वो एक भाग ने पाकिस्तान से अपने को अलग करके नए राष्ट्र का निर्माण कर लिया, और परिणाम क्या निकला कि एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बन गया। संघ निर्माण करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं, तब जाकर संघ का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक एकता। संघ निर्माण करने वाले राज्य भौगोलिक दृष्टि से निकट होना चाहिए, माने इनकी भौगोलिक दूरी नहीं होना चाहिए। अगर भौगोलिक दूरियां होंगी तो उनका संघ से अलग होने का खतरा बना रहता है। जैसे पाकिस्तान में एक भाग पूर्व में था और एक भाग पश्चिम में था, परिणाम यह हुआ कि पूर्व भाग अलग हो गया और नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हो गया। अलग क्यों हो गया पूर्व भाग? क्योंकि दूरी थी, दूरी होने के कारण उन लोगों में आपस में विरोध था। एक दूसरे पूर्व भाग के लोगों का सरकार के द्वारा उतना ध्यान नहीं रखा जाता था जितना कि पश्चिमी भाग के लोगों के साथ किया जाता था। परिणाम ये निकला कि बांग्लादेश का निर्माण अलग हो गया, बांग्लादेश के निवासियों ने अपना अलग राष्ट्र का निर्माण कर लिया। दूसरा पॉइंट है इसका समान हित। समान हित का अर्थ यह है कि संघ में सम्मिलित इकाइयों का समान हित होने पर ही संघ की स्थापना होती है। जैसे सभी की क्या आवश्यकता है कि हमारे प्रांत की या हमारे क्षेत्र की बाह्य आक्रमणों से रक्षा की जाए, अथवा हमारे क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाए। तो सब जब सबका समान हित दिखता है तो वो सारे के सारे क्षेत्र मिलकर एक अपने संघ का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है समान स्थिति। संघ की सफलता के लिए उसकी सभी इकाइयों को यथासंभव समान शक्तियां मिलना चाहिए। सभी को व्यवस्थापिका में
समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए तथा सभी क्षेत्रों में विकास के समान प्रयास किए जाना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र के साथ पक्षपात किया जाएगा, किसी को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी, किसी को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी, तो फिर ये संघ सफल नहीं हो सकता। अमेरिका में 50 प्रांत हैं और इन 50 प्रांतों को सबके लिए अपने उसके सदन में, सीनेट उसका एक जो सदन है उसमें दो दो प्रतिनिधियों को भेजने का बराबर का अधिकार है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना। संघ में सम्मिलित सभी इकाइयों में राष्ट्रीय एकता की भावना होना बहुत आवश्यक है, तभी संघ का निर्माण हो सकता है। यदि एक इकाई भी राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है तो सारे संघ को इससे खतरा पैदा हो सकता है। इससे क्या होगा, हमारे राष्ट्र की भी संप्रभुता को खतरा हो। ये क्या थी, संघ निर्माण की आवश्यक शर्तें। जब ये शर्तें होंगी तभी कई इकाइयां मिलकर एक सफल संघ की का निर्माण कर सकते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि कोई संघात्मक शासन की क्या विशेषताएं होती हैं, माने हम कैसे पहचानेंगे कि संघात्मक शासन है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता माने संविधान को सर्वोच्च माना जाना चाहिए, सभी के लिए उसके उसमें जो है उसका आदेश है उसका पालन करना चाहिए। क्यों, क्योंकि संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, अतः केंद्र और राज्य दोनों को संविधान का अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। दूसरा, लिखित और कठोर संविधान। संघात्मक शासन में क्या है कि शक्तियों का विभाजन किया जाता है, किस किस के बीच में, उस संघ के बीच में और उसकी इकाइयों के बीच में। तो संघात्मक शासन में राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, कोई भी अपनी शक्ति का एवं अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण ना करे, इसलिए लिखित संविधान अनिवार्य होता है। इसके साथ ही संविधान में जो भी परिवर्तन किए जाएं, उसमें राज्यों की भी स्वीकृति ली जाए, इसलिए संविधान लिखित और कठोर होना आवश्यक है। जब कठोर संविधान होगा तभी राज्यों को अपनी स्वीकृति देने का मौका मिलेगा। इसलिए संघात्मक शासन की ये विशेषता है कि उसमें लिखित और कठोर संविधान होता है। इसकी तीसरी विशेषता है दोहरी सरकार। दोहरी सरकार मतलब इस किसी भी राष्ट्र में दो सरकारें काम करती हैं, दो स्तरों पर इन सरकारों का गठन किया जाता है। एक केंद्र में जो पूरे राष्ट्र के लिए कानून का निर्माण करती है, तथा दूसरी राज्यों में जो अपने क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण करती है। जैसे अपना भारत देश है तो इसमें केंद्र सरकार जो कानून बनाती है पूरे देश के लिए बनाती है, और हमारी दूसरी सरकार कौन सी हो गई राज्यों की, मान लो मध्य प्रदेश सरकार, तो मध्य प्रदेश सरकार जो भी कानून बनाती है वो मध्य प्रदेश के लिए ही लागू होते हैं। तो ये क्या हो गया, दोहरी सरकार, दो प्रकार की सरकारें काम करती हैं। अगला पॉइंट है दोहरी नागरिकता। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आपसे पूछें कि आपको कौन सी नागरिकता प्राप्त है तो आप कहेंगे भारतीय। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ इसका जो सिद्धांत है वो तो ये कहता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है, हर व्यक्ति के लिए दो प्रकार की नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो वह जो संपूर्ण संघ की नागरिकता, और दूसरी है प्रांत या राज्य की नागरिकता। तो यदि हम संघात्मक शासन की पूरी विशेषताओं को अपनाते अपने देश में, ये अपन आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे, तो हमारे लिए कितनी नागरिकता मिलती, एक हमारी भारतीय और एक मिलती मध्य प्रदेश की। तो ये संघात्मक शासन जहाँ होते हैं वहाँ उसका एक सिद्धांत है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता मिलती है।
अगला पॉइंट है सर्वोच्च संघीय न्यायालय। संघात्मक शासन में शक्तियों का वितरण कितना ही तर्कसंगत हो, कितना ही न्याय संगत हो, फिर भी केंद्र तथा राज्यों के बीच के विवाद की संभावना बनी रहती है। उनके विवादों को सुलझाने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का होना आवश्यक होता है। सर्वोच्च न्यायालय यह भी देखता है कि केंद्र और राज्य अपनी शक्ति का उल्लंघन ना करें, माने दोनों में किसी प्रकार के विवाद ना हो, तो जो सबका सभी राज्यों से भी ऊपर, किसी राज्य का अलग नहीं, पूरा एक सबका सर्वोच्च न्यायालय वो होना आवश्यक होता है, तभी संघ का शासन चल पाता है। अन्यथा इनके विवादों को सुलझाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए जब भी संघात्मक शासन होता है तो वहां पर संघ एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। तो ये अभी आपने क्या देखा, संघात्मक शासन की विशेषताएं। अब अपन आगे देखते हैं कि संघात्मक शासन जो राष्ट्र अपनाते हैं तो उसमें क्या क्या गुण होते हैं। हमने शुरुआत में आपको क्या बताया था कि संघात्मक शासन के साथ एक उसका दूसरा रूप होता है एकात्मक शासन। तो लोग संघात्मक शासन, जैसे अपना भारत है तो उसमें संघात्मक शासन अपनाया, तो उसमें क्या अच्छाइयां लगी जिसके कारण संघात्मक शासन को अपनाया। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, संघात्मक शासन के गुण। तो संघात्मक शासन के गुण में हम सबसे पहले देखते हैं विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त। विशाल राज्य मतलब जो जो राज्य, राज्य से मतलब आप अपनी इकाइयों को मत गिनना, जब हम पर उसके बारे में देखते हैं, सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, तो राज्य क्या कहलाता है, भारत एक राज्य है। अपन ने पहले पढ़े थे राज्य के चार तत्व, तो राज्य क्या कहलाया, भारत। तो विशाल राज्य माने जो देश, राज्य माने देश, जो बड़े राज्य होते हैं उनके लिए संघात्मक शासन उपयुक्त होता है, क्योंकि आकार में विशाल होते हैं, वहाँ भाषा धर्म संप्रदाय आदि की विविधता पाई जाती है, प्रत्येक राज्य की आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं, जो संघात्मक शासन में अच्छी तरह से पूरी की जा सकती हैं। राज्य की जो आवश्यकता है वो अपना अपना राज्य, मतलब इकाई, यहाँ राज्य का मतलब क्या है, उसकी इकाई, माने जैसे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जैसी आवश्यकता है वो अपने निवासियों की आवश्यकता के हिसाब से कानून बना सकता है, और दूसरा प्रदेश है मानो, तो उसको अपनी आवश्यकताएं अलग हैं, तो वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से कानून बना सकता है। और यदि अलग अलग राज्यों के लिए यदि कानून बनाने का अधिकार ना होता, सिर्फ केंद्र के लिए कानून बनाने का अधिकार होता, तो केंद्र एक जैसा कानून बना देता तो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए विशाल राज्य जहाँ विविधताएं होती हैं उन राज्यों के लिए संघात्मक शासन उपयुक्त होता है। दूसरा पॉइंट है मजबूत राज्य के निर्माण में सहायक। संघात्मक शासन में कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करते हैं, इससे वह बाह्य दृष्टि से भी सशक्त हो जाते हैं तथा आंतरिक दृष्टि से भी अपने से संबंधित मामलों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता रहती है। उदाहरण के तौर पर यदि भारत या अमेरिका छोटे छोटे राज्यों में बटे होते तो आज इतने शक्तिशाली नहीं बन पाते, कोई भी अन्य राष्ट्र उन्हें अपने में मिला लेता, कभी भी आक्रमण करता और अपने में मिला लेता। जैसे अपन इतिहास में पढ़ा है कि कोई भी राष्ट्र आता था, किसी राष्ट्र पर आक्रमण करता था और अपने में मिला लेता था, लेकिन जब हमने क्या किया, एक मजबूत संघ बना लिया, तो राज्य जो छोटे अपनी इकाइयां हैं वो बाहर से आक्रमण करने के लिए तो उन्हें कोई चिंता नहीं है कि आक्रमण की चिंता हो, उन्हें तो अपना विकास करना है बस, और बाहरी आक्रमण करने का, की रक्षा करने का काम केंद्र सरकार देखती है। तो इससे क्या होता है कि सबने मिलके जो एक केंद्र सरकार बना ली तो हाँ, इससे एक मजबूत राज्य की स्थापना हो जाती है। तीसरा है प्रशासकीय कर्मठता। संघात्मक शासन में दोनों ही स्तरों पर कार्यभार बट जाता है,
माने कुछ कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार करती है और कुछ कार्य राज्य सरकारें करती हैं। केंद्र को स्थानीय स्तर के कार्यों के लिए चिंतित नहीं होना पड़ता, इससे प्रशासकीय कर्मठता में वृद्धि होती है। जैसे अगर किसी एक ही व्यक्ति को बहुत सारा काम दे दिया जाए तो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता, और यही उसी काम के लिए कई लोगों में बांट दिया जाए तो वही काम अच्छे से किया जा सकता है। तो संघात्मक शासन में प्रशासकीय कर्मठता हो जाती है। केंद्र, अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार के स्वेच्छाचारी होने की संभावना नहीं रहती। केंद्र सरकार के पास यदि सारी शक्तियां दे दी जाती तो केंद्र सरकार के लिए किसी का डर ना रहता, उसे जो करना होता वह वो काम करती। लेकिन संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हो जाता है, इससे केंद्र की स्वेच्छाचारी होने की और मनमानी करने की संभावना कम होती है। अगर कभी ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो राज्यों को पसंद नहीं है तो राज्य इसका विरोध कर सकते हैं, इससे केंद्र सरकार स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता। अगला पॉइंट है, राजनीतिक शिक्षा की दृष्टि से उपयुक्त। संघात्मक शासन में प्रादेशिक स्तर पर भी शासन का संचालन किया जाता है, इससे जनता को राजनीतिक कार्यों में सहभागी होने का अधिकार अधिक अवसर मिल जाता है और राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। क्यों? क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी वही सारे बार बार चुनाव भी होते हैं, शासन करने का मौका ज़्यादा लोगों को मिलता है, और यदि ये राज्य सरकार की सरकारें ना बनती तो सारे बस सिर्फ एक बार चुनाव होते, बस केंद्र सरकार में सरकार बन जाती। लेकिन ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था में अधिक लोगों को अपने पास से राजनीतिक शिक्षा लेने का अवसर मिलता है। अगला पॉइंट है, स्थानीय हितों को बढ़ावा। स्थानीय हितों से बढ़ावा मतलब कि राज्य की आवश्यकताएं अलग होती हैं और उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं, तो वो अपने स्तर पर ही उन समस्याओं का समाधान कर सकती है। क्योंकि केंद्र सरकार मान लो अपने आगे दिल्ली की सरकार है, वो वहां पे कानून बनाती है, मान लो किसी और छोटे से प्रांत है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं केंद्र सरकार को ये पता नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार को ये पता है कि हमारे प्रांत की क्या समस्या है, तो वह उन स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कानून बना सकती है और प्रशासन अच्छे से कर सकती है। तो ये क्या थे, संघात्मक शासन के गुण जिसके कारण संघात्मक शासन अपनाया जाता है। बच्चों, तुम लोगों ने अभी क्या सुना कि संघात्मक शासन की बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन संघात्मक शासन में कुछ दोष भी होते हैं, मतलब इसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं। वो कमियाँ क्या होती हैं अब हम आगे देखते हैं। तो संघात्मक शासन कैसा होता है, दुर्बल शासन। दुर्बल माने कमजोर शासन। क्यों होता है कमजोर शासन, क्योंकि केंद्र और राज्यों में शक्तियों के वितरण के कारण संघीय शासन दुर्बल हो जाता है। कुछ शक्तियां राज्यों के पास चली गई, कुछ शक्तियां केंद्र के पास चली गई। अब कोई मान लो कानून बनाना है, कोई निर्णय लेना है, तो केंद्र सरकार तो निर्णय लेने में उसको या तो राज्यों से पूछना पड़ेगा या फिर पूछने में समय लगेगा, तो शासन उतनी शक्तिशाली ढंग से काम नहीं कर सकता। राज्य अलग अलग विषयों पर अलग अलग कानून बनाते हैं, इससे राजनीतिक एकरूपता भी को भी क्षति पहुंचती है। माने पूरे देश में एक जैसा शासन नहीं हो पाता, एक जैसे कानून नहीं बन पाते। राज्य अपने ढंग से कानून बनाते हैं और दूसरे राज्य अलग ढंग से कानून बनाते हैं। इस प्रकार हमारा जो संघात्मक शासन का पहला दोष क्या है, ये दुर्बल शासन होता है। दूसरा इसका दोष क्या है, खर्चीला शासन। खर्चीला मतलब इसमें आर्थिक रूप से ज़्यादा खर्च होता है। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं, इससे निर्वाचन प्रशासनिक कार्यों पर अधिक व्यय करना पड़ता है। और एकात्मक शासन, इसके विरुद्ध में हमने बताया था
तो एकात्मक शासन में तो एक ही बस केंद्र सरकार होती है, तो उसके लिए इतने सारे खर्च बच जाते हैं, तो वो उसका जो आर्थिक रूप से जो बचत होती है वो और किसी विकास कार्यों में लगा सकती है। जो संघात्मक शासन में ये शासन व्यवस्था बार बार चुनाव आदि में खर्च करते हैं, तो वो उसमें बचाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट है संघ के विरुद्ध विद्रोह का डर। संघात्मक शासन प्रणाली में अलग अलग राज्यों में आर्थिक और राजनीतिक भिन्नता होती है। कई बार राज्य केंद्र से असंतुष्ट हो जाते हैं तथा केंद्र के विरुद्ध विद्रोह करने का डर बना रहता है कि राज्यों की अलग आवश्यकताएं होती हैं, और केंद्र से मान लो उसको सहयोग नहीं मिला तो वो राज्यों की जब इच्छा पूरी नहीं होती तो वह केंद्र के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की संभावना। यद्यपि केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का वितरण होता है, किंतु दोनों के बीच विवाद की संभावना बनी रहती है। भारत में हमें ऐसे कई बार केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की संभावनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। अगला पॉइंट है कठोर संविधान परिवर्तन में बाधक। संघात्मक शासन में कठोर और लिखित संविधान होता है। कठोर संविधान किसे कहते हैं बच्चों? जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें कुछ कुछ उपबंधों में तो राज्यों की सहमति लेना पड़ती है। अब मान लो कभी हमारे लिए संविधान में परिवर्तन करने की तत्काल आवश्यकता हुई, तो राज्यों से सहमति लेना है, तो राज्यों से सहमति लेने के कारण ऐसा संविधान संशोधन करने में बाधा पहुंचाता है और उसमें परिवर्तन जल्दी नहीं करना कर पाते। इस प्रकार ये हमने संघात्मक शासन के दोष देखे। तो बच्चों, आपको संघात्मक शासन के बारे में इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि संघात्मक शासन किसे कहते हैं। तो आप इससे संबंधित ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न, संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, संघात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न, संघात्मक शासन के कोई चार गुण लिखिए। और नंबर चार, चौथा प्रश्न है संघात्मक शासन के कोई चार दोष लिखिए। इस प्रकार से ये बच्चों प्रश्न ऐसे भी आते हैं, कभी पूछ लेते हैं कि दो गुण लिखिए, कभी पूछ लेते हैं चार, ये कभी दो नंबर में आ जाते हैं। तो आप इसमें से चार चार कम से कम इनके लिए चार पॉइंट में इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से बताते हैं कि जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया जाता है उसे संघात्मक शासन कहते हैं, और जब वो शक्तियों का विभाजन नहीं, केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों और केंद्र के बीच में नहीं किया जाता, सारी शक्तियां केंद्र के पास ही रहती हैं, उसे एकात्मक शासन कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसी है, तो हम आगे फिर मिलेंगे आपसे।